दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारतीय इतिहास में रतन टाटा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत में जब भी उद्योगपतियों का जिक्र होगा, सबसे पहले रतन टाटा का नाम लिया जाएगा। उन्होंने अपने जीवन की सार्थक यात्रा में बहुत से ऐतिहासिक काम किए। दरअसल रतन टाटा को भारतीय उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। अपने व्यक्तित्व से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। रतन टाटा ने इस दुनिया को कई बहुमूल्य उपहार भी दिए। उनका योगदान आज भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक नजीर है। यूं तो देश निर्माण में रतन टाटा के अनगिनत योगदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इनमें से 5 ऐसे हैं जिन्होंने समय की परिधि पर अमिट छाप छोड़ी है। कोविड का दौर, जिस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय भारत की हेल्थ संकटों से भी लड़ रहा था। इस संकट के समय रतन टाटा सामने आए और उन्होंने 500 करोड़ रुपए की देश को सहायता दी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, कोविड-19 हमारे सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह की कंपनियां अतीत में भी देश की जरूरतों के लिए आगे आई हैं। इस समय आवश्यकता किसी भी अन्य समय से अधिक है। कुत्तों के लिए हॉस्पिटल बनवाया। रतन टाटा अपने सौम्य स्वभाव और उदार दिल के लिए जाने जाते थे। उनको कुत्तों से बड़ा लगाव रहा। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुत्तों के लिए एक हॉस्पिटल खोला। उन्होंने हॉस्पिटल खोलते समय कहा था कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। रतन टाटा ने कहा था कि मैं जीवन की कई पेट्स रखे, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल की अहमियत पता है। उनके द्वारा नवी मुंबई में बनाया गया अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज भी किया जा सकता है। इसको 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। रतन टाटा को कुत्तों से कितना नेह है, उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक बार एक कुत्ते को वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा लेकर गए थे, जहां कुत्ते का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया था। देश के लिए सबसे सस्ती कार भी लेकर रतन टाटा लाए थे। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप पहले केवल बड़ी गाड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता था, लेकिन 1998 में रतन टाटा ने छोटी गाड़ियों की दुनिया में भी उतारने का फैसला लिया। उन्होंने टाटा इंडिका को बाजार में लॉन्च किया। टाटा इंडिका पूरी तरह से एक स्वदेशी कार थी, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और नया कीर्तिमान बाजार में स्थापित किया। उसके लगभग एक दशक बाद टाटा ने एक और प्रोग्राम प्रयोग किया और 2008 में बाजार में नैनो कार लेकर आए, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी कम थी। जब फोर्ड कंपनी को संकट से उबारा, ऐसे भी थे रतन टाटा। कहते हैं कि अगर मन में ठान लें तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। टाटा इंडिका इतना ब्रेक डाउन हो रही थी कि साल 1999 में टाटा ने उसे बचाने का फैसला कर लिया। ये जज्बे से भरे रतन टाटा के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसी समय वो बिल फोर्ड को अपनी कार की कंपनी बेचना चाहते थे, लेकिन बिल फोर्ड ने तंज कसते हुए कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था तो ये बचपना क्यों दिख गया। ये बात उनको चुभ गई और उन्होंने कंपनी बेचने से इनकार कर दिया। एक दशक बाद वक्त ने करवट ली और फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हो गई, जिस वजह से फोर्ड को बेचना और उसे रतन टाटा ने खरीद लिया। देश में TCS जैसी कंपनी IT कंपनी का भी योगदान रतन टाटा के द्वारा ही है। भारत में सॉफ्टवेयर कंपनी का जिक्र करते ही लोगों की जुबान पर सबसे पहले TCS का ही नाम आता है। TCS दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है, जिसने तकनीकी क्षेत्र में अहम योगदान के साथ बड़े बड़े पैमानों पर रोजगार भी सृजन किए हैं।